اندر افضل دفتر हमारी एसोसिएशन अच्छा चेयरमैन ओके हमारे डायरेक्टर विजिलेंस हैं रमेश जी चलान कर देने आप मेरा तो चलो है उसके बारे में हम काम करेंगे। एक तो आपने ये देखना है कि आपकी जो जगह है स्पेशली रोड ये खुली कैसे हो जाए, क्योंकि कहीं भी हमने जाना है रोड कनेक्टिविटी हमारी फास्ट होनी चाहिए और उसमें कोई गतिरोध नहीं होना चाहिए। एक तो उसकी तरफ आपने ध्यान देना है, क्योंकि अभी हम डेवलपमेंटल काम कर रहे हैं और आपने देखा कि गुजरात में उन्होंने इस तरीके से डेवलपमेंट की, एक समय था कि सारी इंडस्ट्री कहां थी वेस्ट बंगाल में, फिर वो गई महाराष्ट्र में और उसके बाद गुजरात को बैरन लैंड मानते थे, बैरन लैंड होगी जिसमें कुछ होता ही नहीं है। वहां आज की डेट में सारी इंडस्ट्री वहां चली गई है एंड दैट हैज बिकम द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री और उसी की डेवलपमेंट के मॉडल पे मोदी जी प्रधानमंत्री आ गए। तो वो कैसे हुआ? ऐसे नहीं हुआ, लोगों के इन्वॉल्वमेंट से हुआ। लोगों ने कैसे सोचा कि हमें ऐसे करना है, वो एक प्रोग्रेसिव स्टेट बने और उसी प्रकार से हमको सोच के आगे चलना है। एक बात तो ये होगी। अब इस वक्त हमने दो मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, डेवलपमेंट माइंड यू हैव टू मूव करेक्टली एंड विद ए प्रोग्रेसिव विजन, दैट इज माई I am going to meet you also and call you also in the GMC because this time we are meeting with the और एक स्पीड ब्रेकर और साथ में इनमें ये भी इन्होंने कहा है कि रोड में अगर कोई भी बाधा आती है उसको दूर किया जाना चाहिए और हमारी जो कनेक्टिविटी है और जो रोड है वो चौड़ी होनी चाहिए। और मैंने भी इनको आश्वस्त किया है कि जैसे गुजरात में जब कनेक्टिविटी बड़ी थी 320 धार्मिक स्थलों को शिफ्ट किया गया था, तो आज वही गुजरात मॉडल पूरे देश में चल रहा है और हमें भी एज ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी आगे चलना है और ये सब इन चीजों के साथ में। सर मैं तलापटी ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से बताना चाहता हूं कि आज मेयर साहब ने विजिट किया था तलाप किलो में ऑन ए शॉर्ट नोटिस, उनको हमने बुलाया था कि आप तलाप किलो आइए और हमारे मेन तीन मुद्दे थे। एक तो हमारा रोड वाइडन को लेके जो हमारे मंदिर और मस्जिद बीच में आ रहे हैं ये उन्हें अगर हटाते हैं तो हमें एक ऑल्टरनेट स्पेस प्रोवाइड की जाए, और दूसरा हमारे यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का कोई डिमार्केशन नहीं है, गाड़ी पार्किंग करने की कोई जगह नहीं है जिसकी वजह से तलाकिलो के जो दुकानदार हैं उन्हें बहुत सफर करना पड़ रहा है। तो जब तक आप ट्रैफिक की डिमार्केशन नहीं करते हैं, गाड़ियों की डिमार्केशन नहीं करते हैं, एक ऑल्टरनेट उसके लिए प्रोवाइड किया जाए। तीसरा यहाँ पे सुलभ शौचालय का कोई भी इन्होंने प्रावधान नहीं दिया हुआ है, अगर सुलभ शौचालय नहीं है उससे आप देख सकते हैं कि जो घर की लेडीज हैं जो कोई शॉपिंग करने जाती हैं उनके लिए सुलभ शौचालय बहुत मस्ट है। तो ये एक हमने रिक्वेस्ट की है जीएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा जी को और उन्हें हमारी बातें सुन के उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बातें बिल्कुल डिमांड जायज लगी हैं और मैं इस पर जल्द से जल्द वर्किंग करूंगा।